मैं आप सबकी ओर से नदीम भाई का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं उनसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी जो मेरे इलाके की है। नदीम भाई, हमारे परिवार को मेवात में, चाहे हरियाणा का हो, चाहे अपने अलवर का हो, राजस्थान का, चाहे अपने यूपी का हो, चाहे मध्य प्रदेश का, हम लोगों को चौधराहट दी है। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है जो कि किसी भी एमएलए, मंत्री या एमपी की कुर्सी से मैं बड़ा मानती हूँ। बड़े चौधरी साहब यासीन खान जी थे, उनके बाद ये जिम्मेदारी चौधरी साहब के ऊपर आई और उसके बाद भाई के पास आई। साथ ही यहाँ के लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं चौसा के बाद इनकी नुमाइंदगी करूँ। 2008 का इलेक्शन मुझे हकीकत में नहीं पता मैंने कैसे लड़ा था, पार्टी उसे कहीं गुजरे थे। इन्हीं लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर एक परिवार की तरह मुझे संभाला भी उस टाइम और मेरा साथ दिया और मुझे जिताया। तब से हमारा रिश्ता बाजी के टाइम से ही था। मेरा इनका एक नेता कार्यकर्ता का नहीं है। हम आपस में नाराज भी होते हैं, ये मुझसे कोई बात कह सकते हैं, मैं इनसे कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन फिर हम लोग वहीं आ जाते हैं। तो एक परिवार की तरह ही इनका प्यार अपनापन है और ये जो आप देख रहे हैं ये इनका प्यार ही है कि जो आपने रात को मुझे खबर करी और सुबह आपको ये सारे लोग मिले। सिर्फ एक एक फोन की बात की, बहुत हमने नहीं करा, लेकिन हाँ मैं क्या यकीन दिलाती हूँ कि जहां मेरा खून पसीना गिरेगा ये खून गिराने को तैयार है। मैंने अपने इलाके में पूरी कोशिश करी कि गाजियाबाद का भाईचारा मैं कायम रखूं और ऊपर वाले का शुक्र है कि उससे मैं कामयाब रही। चाहे गोपालगढ़ कांड हुआ हो, चाहे घाटी का कांड हुआ हो, और भी कई झगड़े थे जो कि नॉर्मल इंसानों पे थे, बीजेपी है लेकिन उसको हिंदू और मुस्लिम देने की कोशिश करी ना, लेकिन जगह नहीं मिलने दिया। एक हमारा बंधन है, ये खाली मुसलमानों से नेवों से नहीं है, हर बिरादरी से, हर उससे मेरा परिवार का नाता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि इनका कुछ शुक्रिया अदा नहीं कर सकती और ये इलेक्शन की हर बार की तरह यही लोग लड़ रहे हैं, ये खुद ही वोट मांगते हैं, खुद ही सारा संभालते हैं। तो भाई मैं तो भाई ये कहूंगी कि मैं और साथी हमारा खानदान अपन का एहसान है ना चुका सके और शुक्रिया या हमारा बहुत छोटा कर्ज है जहां मैं कहकर आप अपनी कर्ज का मना कर सकते। हम अभी 10 मिनट में आपको फ्री कर देंगे, लेकिन मेहरबानी करके देखो यहाँ सारे मंडल अध्यक्ष मौजूद हैं, सभी दोनों ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद हैं। मैं ये जो प्रस्ताव बहुत सारा रखा है, एक दोबारा मैं कह रहा हूं, समस्त संगठन के लोग यहां मौजूद हैं, सरपंच जो मौजूद हैं, जिला परिषद मेंबर मौजूद हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। अगर आप ये चाहते हो कि विधानसभा से जाएगा जी को कांग्रेस के उम्मीदवार बनाया जाए, तो अपनी भावना से अवगत कराने के लिए ये प्रस्ताव पास किया जा रहा है। जो इसके समर्थन में है वो सभी लोगों को पहुंचाए हैं, धन्यवाद। आदरणीय नदीम साहब, मैं तो आपसे, आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को एक बात कहना चाहता हूँ। जिस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, उसी तरीके से कामा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पास जाया के मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं है। आप इतिहास बता करके देख लीजिए, जिस दिन से आदरणीय जहीदा खान जी का परिवार कामा विधानसभा क्षेत्र में आया है, उस दिन से कांग्रेस की 93 से जो भी कांग्रेस के कार्यक्रम हुए हैं, चाहे दिल्ली में रैलियां हुई हो, चाहे भीलवाड़ा में हुई हो, चाहे जयपुर में हुई हो, सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने क्या है, आपके पास प्रदेश कांग्रेस कमेटी से रिकॉर्ड मिल जाएगा, आपके पास ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से नदीम साहब भी रिकॉर्ड मिल जाएगा। रही बात उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय जायदा जी ने हमेशा ऐसा बन करके भागीदारी सारे कार्यकर्ताओं ने कम्युनिस्ट का तो मेहनत की है। जिस टाइम राहुल गांधी जी से ईडी में पूछताछ हो रही थी, हम हजारों कार्यकर्ता जायदा जी के नेतृत्व में सड़क पर दिल्ली में जनता मोर्चा पर खड़े थे। कहां गए थे उस टाइम जो कि चार टिकट मांग रहे कांग्रेस का, 6 महीने से कांग्रेस में आकर
अभी वाराणसी का चुनाव लेना या वो चंद्रशेखर की तरह बदलना चाह रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में अगर कोई सीट जीत रही है तो सारा जायदा के नेतृत्व में मैं अकेले लेना, मेरे बाप को नदीम साहब उससे भी ज्यादा वोटों से जीतेगी। आज भारतीय जनता पार्टी और कुछ हमारे ही पार्टी के कुछ लोगों ने कांग्रेस को ही बदनाम कर रहे हैं, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ने की बात करते हैं, एक तरफ बादल ने जायदा जी की मुखालफत करते हैं, क्या वो कांग्रेस की मुखालफत नहीं कर रहे, उनका साथ दे दो, उनको खिलाफत करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की। जो पार्टी इस देश के टुकड़े करना चाहती है, जो हिंदू मुसलमान के अलावा उनके पास कोई विजन नहीं है, जो अफगानिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है, और हमारी कांग्रेस पार्टी जो सांप्रदायिक सद्भाव की भाईचारे की प्यार मोहब्बत की बात करती है। आदरणीय अशोक गहलोत जी ने काम में क्या है चिरंजीवी योजना लेके आए, आज पूरे राजस्थान में हर आदमी 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करा रहा है। पहले इंसान अपना इलाज कराने के लिए जाता था तो जमीन को गिरवी रखता था या जेवर बेचता था, तब अपने मरीज को हॉस्पिटल में ले जाता था नजदीक था, लेकिन आज आदरणीय अशोक गहलोत की योजना लेके आए, जायदा जी उनकी सहयोग से हमको कितना बड़ा लाभ मिला है, कितनी बड़ी योजना लेके आए हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ज्यादा भाषण देने के वक्त नहीं, आप सब जिम्मेदार हैं, आप बहुत अहम जिम्मेदार नागरिक हैं, आपसे कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में अगर सबसे पहले कोई सीट जीतेगी कांग्रेस की तो आदरणीय जायदा जी की जीतेगी, उसके बाद से कोई गलती मत कर देना, कहीं लंगोड़ों के चक्कर में हमारी पार्टी का भी नुकसान हो जाए, हमारे क्षेत्र का भी नुकसान हो जाए और हम बर्बाद हो जाए। आपसे बड़ी हाथ जोड़ करके मेरे कर्मियों को प्रार्थना है कि आप हमारी बात पर गौर फरमाएं। ये यूट्यूबर 5-5 हजार रुपए में बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या करते फिर रहे हैं, दिन रात कांग्रेस के घर में कगज लाठी दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ये तरीका नहीं है कांग्रेस का, तरीका संस्कृति का। उनके वो पढ़े लिखे कहते हैं अपने लोगों को, उनको ये संस्कार सिखाया आपके माँ बापों ने, हमारी जहन बेटी के बारे में इसी की बात करते हैं, शर्म नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को समाज का नदीम साहब हमारा स्वीकार नहीं करेगा। मैं बड़े मार्मिक शब्दों में आपसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारी बात पर गौर करो और कांग्रेस पार्टी आदरणीय जायदा जी का टिकट के लिए आया करके जिससे हम कार्यकर्ताओं का मनोबल बैठे। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, आपको पता है आप ज्यादा दूर के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में चौधरी तैयब हुसैन साहब मरमूम भाई का इलाका कैसा है, जिसका पूरे निवास में चाहे वो अलवर डिस्ट्रिक्ट की सीटें हो, चाहे हरियाणा की सीटें हो, चाहे भरतपुर की सीटें हो, जो आपका प्रभाव रखते हैं, और एक ही परिवार में आपको बता दीजिए जिसका परिवार इनके परिवार के अलावा कहीं कोई इंप्रेशन रखता हो। इसलिए कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में आदरणीय जायदा जी को अपना उम्मीदवार घोषित कराएं, बड़ी मेहरबानी होगी, धन्यवाद। कैठवाड़ा मेरी ससुराल है, मैं शायद इस तरह से पहली बार आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं बेहद आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का शुक्रिया करता हूँ। बाजी को मैंने कल ही फोन करके दरखास्त की थी कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल आपका वेलकम है, आप तशरीफ लाइए। और बहुत ही मुख्तसर वक्त में बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों को और इलाके के जिम्मेदारों को आपने इकट्ठा किया। मामला चूंकि ससुराली है इसलिए मैं एक मुझे किसी का बड़ा कीमती शेर याद आ रहा है कि वफाओं से नहीं आता हमें दामन चुरा लेना, वफाओं से नहीं आता हमें दामन चुरा लेना, तुम्हें पर जान दे देंगे कभी तुम आजमा लेना। जायदा बाजी का जब जिक्र होता है तो इनके जिक्र के साथ साथ मरहूम मोहतरम चौधरी तैयब साहब का जिक्र जरूर होता है। उनकी खास बात यह थी कि वो 3 रियासतों में वजीर रहे, वो हरियाणा में भी रहे, वो राजस्थान में भी रहे और वो पंजाब में भी रहे, और साथ ही साथ आपने मुख्तलिफ रियासतों का जिक्र किया जहां जहां मैं गया, चूंकि आधा घर तो हमारा मेयर हो गया है तो मेयर समाज के लोगों से जरूर मुलाकात करता हूँ, वो मध्य प्रदेश हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वो दूसरी दीगर रियासतें हो, सब जगह कहीं ना कहीं मेयर समाज के लोग जज्बाती तौर से आइडियोलॉजिकल लेवल पर जिसको वैचारिक आधार पर कहते हैं तैयब साहब से जुड़े हुए, और बाजी को भी पिछले दिनों में कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत देकर खड़ा करने का काम किया। और हमें खुशी है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए तो बाजी का हाथ पकड़ के उन्होंने सफर तय करने का काम यहां किया। मुझे अशोक गहलोत जी का फोन आया, चूंकि जब मैं बहुत छोटा था और कॉलेज में पढ़ता था, पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा, बात दिल्ली यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल हुई, तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त अशोक गहलोत जी NSUI के यानी कांग्रेस की डिप्लोमा की कंपनी में स्टूडेंट थी और यूथ कांग्रेस के इंचार्ज थे। मैं NSUI में काम करता था, तब से गहलोत साहब से मेरा रिश्ता एक सरपरस्त का है।
उनकी सरपरस्ती है और एक बच्चे की तरह से मैं उनके लिए काम करता हूँ। कल साहब का फोन आया कि ये इलेक्शन सिर्फ किसी एक रियासत का इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, ये रियासत का इलेक्शन हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करेगा कि इस मुल्क का संविधान जिंदा रहेगा, इस मुल्क में गरीबों के, दलितों के, अकलियतों के, पिछड़ों के हकूक जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर हम इस रियासत में कामयाब होते हैं तो यकीनन हम इस देश के संविधान को बचाने में कामयाब होंगे। सिर्फ एक सीट इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा विरासत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीतने के लिए फिर एक एक सीट इंपॉर्टेंट है और एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। तो अगर कहीं कोई कमी बेशी है, मैं यहाँ टिकट तय करने नहीं आया, मैं तो ये बात तय करने के लिए आया हूँ कि अगर कोई कमी बेशी है तो आपस में बातचीत करके किस तरह से कांग्रेस का कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा वोट से जीतकर विधानसभा में जाए, इस बात की बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे हाजिर हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, चूंकि जुमा का वक्त और इसके बाद इस मैं समझता हूँ कि ये सियासी मजलिस कम और रूहानी मजलिस ज्यादा हो जाएगी, इसलिए कि हम लोग इसके बाद सीधे जुमा की नमाज अदा करने के लिए जाएंगे। तो मैं एक बात जरूर अदा करना चाहता हूँ, इस बात की बेहद खुशी हुई कि जब मैं यहाँ पर आया तो गुर्जर समाज के लोग हों, जाट समाज के लोग हों, सिख समाज के लोग हों, बनिया समाज के लोग हों, अकलियत के लोग, मुसलमान भाई, सारे लोग इकट्ठा थे। और मैं सिर्फ एक हवाले से बात को खत्म करता हूँ कि 1947 में जब मुल्क आजाद हो रहा था और बंटवारा हो रहा था तो महात्मा गांधी मेवात आए थे और मेवात आने के बाद भाषण लगा और महात्मा गांधी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान मत जाइए, आप हिंदुस्तान में रहिए। लोगों ने जिन्ना की बात को ठुकराया था और महात्मा गांधी के साथ इस इलाके का मुसलमान खड़ा हुआ था। और उसी बात को 1947 दादाजी इलियास चौधरी यासीन खान साहब घासड़ा लाए थे और उसी बात को 1947 में दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद पर खड़े होकर मौलाना आजाद ने फरमाया था कि कोई फरिश्ता आसमान की बुलंदी से उतरे और कहे कि हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएगा और ये मुल्क आजाद हो जाएगा, मैं ऐसी आजादी को ठोकर मारता हूँ, मुझे आजादी तस्लीम नहीं। तो आपने हिंदू मुस्लिम इतिहास का अंदा रखा है, यादव जी बहन ने हमारी अंदा रखा है और आप सब लोगों ने मिलकर भाईचारे का अंदा रखा है। भारतीय जनता पार्टी की नफरत की सियासत के खिलाफ सबसे मजबूत और सबसे मुस्तहकम अगर कोई आवाज है तो मैं समझता हूँ कि आपके इलाके की आवाज है और इंशाअल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी शिद्दत के साथ इस इलाके, इस मुल्क के संविधान को और इस रियासत की सरकार को और इस इलाके से कांग्रेस को जिताने में आप अपना तन मन और धन देने का काम करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। जानो मामा आपके हवाले से सुनाता हूँ राज नौरी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है और बात सुनिए बड़ा इसकी शेर पर मुश्किल से चलेगा कि सिर्फ खंजरी नहीं आंखों में पानी चाहिए तुम रखो ये पीले मफलर और खाकी चटिया, हम पुराने हैं, हमें पगड़ी पुरानी चाहिए। शुक्रिया।